जब दो इंसान किसी सच्चे रिलेशनशिप में होते हैं या एक दूसरे के प्रेम में होते हैं, तब उनके बीच कुछ समय तक बहुत ही अच्छे से सब कुछ चल रहा होता है। लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि जिस इंसान के ऊपर हम पूरी तरह से विश्वास करके उसे अपना सब कुछ समझकर उसे प्रेम करके जी रहे होते हैं, वही इंसान कुछ समय बाद अपनी लाइफ किसी दूसरे इंसान के साथ बिताने का फैसला चुन लेता है और अपनी लाइफ जीने लगता है। तब जो इंसान उसकी उम्मीद में था, उसके सच्चे प्रेम में था, उसको अंदर से बहुत धक्का सा लगता है और वो अपने मन ही मन में उस सामने वाले इंसान के प्रति गुस्सा, नफरत और तरह तरह की बातें सोचने लगता है और अंदर से बहुत उदास और दुखी हो जाता है। और जब अपने इसी सवाल का जवाब मांगने जब कोई अपने उसी उम्मीद के पास जाता है, तो उसे कुछ अटपटे जवाब मिलते हैं या सिर्फ मौन सा उत्तर मिल जाता है। तब हमको अंदर से ऐसा लगता है कि सामने वाले ने हमारे साथ बहुत बड़ा धोखा किया है, हमारे साथ खिलवाड़ किया। जब उसे शादी किसी और से ही करनी थी, तो फिर मेरे साथ दिल लगाने की उसको ज़रूरत ही क्या थी, जो मुझे इस तरह से बीच रास्ते में छोड़कर किसी दूसरे के साथ अपनी पूरी लाइफ गुजारने का फैसला ले लिया। और इसी तरह की तरह तरह की सोच हमारे मन और दिमाग में चलने लगती हैं और उसे हम बिना किसी सच्चाई जाने सीधे गलत समझ बैठते हैं कि उसने मेरे साथ बहुत गलत किया, उसने मेरे फीलिंग्स के साथ खिलवाड़ किया, मुझसे टाइम पास किया वगैरह वगैरह। लेकिन हर सिचुएशन हम कभी कभी समझ नहीं पाते कि सामने वाला ऐसा हमारे साथ क्यों किया। अगर सच में उस इंसान ने ऐसा जानबूझकर किया या ये फैसला उसका था, या फिर वो चाहता तो अपना फैसला बदल भी सकता था, लेकिन उसने अगर ऐसा नहीं किया तो फिर वो सामने वाला इंसान गलत हो सकता है, जो कि उसको कभी भी ऐसा नहीं करना चाहिए। लेकिन हर जगह सिर्फ एक ही कारण और एक ही सोच नहीं होती। कभी कभी किसी इंसान की मजबूरी, कोई दबाव या कोई विशेष कारण भी होता है जो कि उसके हाथ में नहीं होता, लेकिन हम उसको समझ नहीं पाते और उसको ही गलत और दोषी ठहरा देते हैं उसकी बिना सच्चाई और मजबूरी समझे। क्योंकि हर इंसान एक जैसे सोच का नहीं होता, हो सकता है उस इंसान की कोई खास वजह रही हो, वरना वो ऐसा नहीं करता आपके साथ। इसलिए कभी कभी हम खुद सामने वाले को अच्छे से समझ नहीं पाते और खुद हम सबको एक ही तराजू में तौलने लगते हैं और अपने अनुसार अपनी ही सोच से हम किसी अच्छे इंसान को गलत बना देते हैं अपनी नज़रों में। हर इंसान एक जैसा नहीं होता, हर इंसान धोखा नहीं देता, लेकिन हम उसकी मजबूरी, उसकी सिचुएशन ठीक से नहीं समझ पाते, क्योंकि उस समय हमें सिर्फ वो और हम के सिवा कुछ नहीं दिखता। इसलिए किसी को गलत या दोषी ठहराने से पहले सामने वाले इंसान की सच्चाई जान लेना बहुत ज़रूरी होता है। अगर हम सिर्फ अपनी ही खुशी देखते हैं तो यहाँ सिर्फ एक स्वार्थ की भावना हो जाती है। प्रेम का सच्चा अर्थ ही होता है त्याग। बस आप जिससे सच्चा प्रेम करते हैं, आप जिसे सच्चे दिल से चाहते हैं, उसकी हर खुशी में आपको खुश रहना चाहिए। ऐसा नहीं कि वो इंसान आपको नहीं मिला तो आप उससे नफरत ही करने लगो, उसे गलत समझो। इसलिए हर किसी को पहले अच्छे से समझने की कोशिश कीजिए, इसके बाद ही अपना जजमेंट कीजिए। तो अब मैं अतुल इजाज़त चाहूँगा। आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ नीचे लाल कलर का सब्सक्राइब बटन दबाकर हमारे चैनल अतुल मोटिवेशन जोन को सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो को पूरा देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।